हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले काइट फाइटिंग, बहुत दिनों के बाद पतंगे मांझे सब निकाल दिया, तो करते हैं वीडियो शुरू। तो ये देख सकते हैं कुछ पतंगे आज दी है ये, और ये फैंसी में एक है, ये देख सकते हैं पूछ वाली, और ये पन्नी की आ जाती है, ये भी इससे भी उड़ाएंगे, देखते हैं। डोर है और टेप है, और ये इससे आज हम काइट फाइटिंग करेंगे, आज ही 17 जामत से देख सकते हैं। और ये सद्दी ऊपर है, ये तो खैर ये मांझा पतंग कट के आती है तो ये मांझा है, और ऊपर सद्दी करने बांधने के लिए ये रियासत की डोर है, देख सकते हैं बढ़िया। लेकिन आज हम इससे काइट फाइटिंग करेंगे, और आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को चरखा नहीं चाहिए तो ये ले सकते हैं, 10 रुपये में काइट शॉप पे मिल जाएंगे, ये लच्छे आते हैं, टिकल्ले बोलते हैं इसे, और ये 10 रुपये मात्र आ जाते हैं। कुछ मिल जाए आप लोगों को बता देता हूँ, उसका भी रिव्यू करूँगा आगे कि कैसी डोर होती है, लोकल मांझे होते हैं, काइट फाइटिंग के लिए बढ़िया हैं, ले सकते हैं, 10 रुपये मात्र आ जाते हैं इतने सारे, देख सकते हैं ग्रीन कलर का। तो जल्दी से करते हैं काइट फाइटिंग। तो मांझा हम लोगों ने लगा लिया है, देख सकते हैं हाजी 17 जामत वाला इतना लगाया, तो अब पतंग उड़ाते हैं, तो देखते हैं कौन उड़ाएंगे। तो आज हम लोग उड़ाएंगे वाली अच्छी पतंग, इसमें कंडे बांध लिए प्लस टेपिंग भी कर दिए, तो अब उड़ाते हैं ऐसे, और बढ़िया डोर है, 9 कॉर्ड में मिल जाएगी छतों के लिए, तो इसको बांधते हैं। और अब हवा भी बहुत बढ़िया, और कुछ पतंगें उड़ रही हैं तो उनसे भी लड़ेंगे, पीछे से एक भैया भी उड़ा रहे हैं, वो भी उड़ा लेते हैं कभी कभी, तो उनसे लड़ेंगे। पतंग हमने उड़ा दी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, अभी थोड़ी बहुत और बची है, उसे करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, फाइनली ये सद्दी आ चुकी है, अब थोड़ा और लंबा करते हैं। काफी बढ़िया चाल है पतंग की, बहुत बढ़िया उड़ रही है, मतलब तो मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि अद्दी पतंग ही ले, छतों के लिए पौनी मंझोली ये सब ना ले, अद्दी ले, बेस्ट है पतंग। और अब बहुत लंबी कर देते हैं हम, देखो बढ़िया से खिंचा रही, मतलब चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अच्छे से खिंचा रही एकदम। और अब जल्दी से पेज लड़ाते हैं, वो साइड से उड़ा रहे हैं पतंग, उनसे लड़ाएंगे, एक्शन देखेंगे कैसे हैं। मैं ऊपर को ले लूंगा पेज अपना, मैं अपना पेज ऊपर को लूंगा क्योंकि हवा बहुत तेज है, और ढील दूंगा मैं बिना किसी दिक्कत के, हम पेज लड़ा देंगे क्योंकि हवा तेज है, तो ढील के ही लड़ेगा आज, बिना किसी दिक्कत के हम काट देंगे, और बाकी उनकी उनकी क्या ट्रिक है वो भी देखेंगे। चरखी इधर उधर भाग जाती है, देख सकते हैं आप लोग पतंग एकदम मतलब खड़ी हुई है आसमान में, इधर उधर हिल नहीं रही है, खड़ी हुई है एकदम। और ये मेरा पेज लड़ने जा रहा है,
अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्या करना है पेजों में, क्या हवा तेज है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस खींचना है आप लोगों को इसमें और पतंग को ऊपर करना है, और अपोनेंट की पतंग से आगे और ऊपर करना है, ऊपर का पेज लेना है हमें इसमें, और कोई कैसे भी ले वो नहीं देखना हमें, बस ऊपर का लेना है। और हमारी छत्ती भी जो है बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए कि अच्छे से खिंचाए, जल्दी जल्दी उसको हम लोग खींचें। तो अरे काटा तो उसकी पतंग काट दी, वो देखिए लहराती हुई जा रही है उधर, उनकी डोर यहीं से आ रही है लेकिन मैं पकड़ूंगा नहीं, और किसी की डोर पकड़े नहीं आप लोग। तो अब देखते हैं क्या फिर वो उड़ाते हैं कि नहीं, साइड से जा रही है उनकी डोर भी, सद्दी मांझे पे काटी थी लेकिन अभी उनकी सद्दी लपेट रहे हैं, और मांझा मेरे को लगता है बहुत कम बच पाया होगा उनका, वो देखिए वो जा रही है, अभी भी जा रही है उधर से डोर, बहुत लंबे पेच थे। देखिए मेरी पतंग दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरी पतंग एकदम सही हो रही है, देखिए आप लोग तो ये देख सकते हैं मेरी पतंग कितनी ऊपर है, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये हो गई जूम, बहुत मुश्किल पे मुश्किल से दिख पा रही है, ये देख सकते हैं, और ये इतनी ऊपर थी और उनकी पतंग मेरे से थोड़ी सी नीचे थी, तो मैंने ढील दी और अच्छे से मैंने, मतलब ढील ऐसे ही नहीं, पतंग को हाथ से नहीं छोड़ना है, बस थोड़ा ऐसे ऐसे करें हाथ को और दे दे ढील, ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी करके पतंग को फिर ढील दे तो आसानी से काट देंगे, फोकस ही नहीं हो पा रही है। और अब देखते हैं फिर वो पतंग उड़ा पाते हैं या नहीं, उनके पास क्या है, पतंग है नहीं है क्या है, तो बोलते हैं उनसे पतंग उड़ाने का, देखते हैं क्या होता है। हाँ ये रही पतंग, तो अभी उनने फिर पतंग उड़ा दी है और वो भी बहुत लंबी कर दी है उनने भी, अब क्या करना चाहिए। वो उनका क्या है, वो फिर ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन नहीं मैं उनको ऊपर आने नहीं दूंगा, मैं ही जाऊंगा ऊपर। तो काट दिया मैंने पेज भी उनका, तो दो पेज काट दिए बढ़िया से, और मांझे को, मांझे पे मेरा ध्यान नहीं देता क्योंकि मांझा कोई सा भी हो वो चल जाता है, बढ़िया होता है। अब मैंने जैसे कि ये दिखाया आप लोगों को, फिर वो उनकी पतंग कट गई भैया की, तो ये जैसे कि दिखाया 10 रुपये मात्र मिल जाएगा आप लोगों को मांझा, बढ़िया। ये तो खैर चार तार की डोर पे इतना मजबूत है नहीं, आप लोगों को मिल जाए तो आप ले सकते हैं 1-2-3 पे C28 पे, तो मैं तो खाली ऐसी रैंडम डोरे ले आया मैं टिकल्ले मांझे के, ये खाली उसके लिए
नॉर्मल जो मझोली पतंग होती है उसके लिए है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं मांझे खास, लेकिन फिर भी ये मांझे काट सकते हैं आराम से। मैंने इनको यूज़ करा है, बढ़िया रिजल्ट रहा है। पहले मैं इन्हीं मांझे से लड़ाता था, देखता था मैं, पहले शुरू में यही मांझे यूज़ करे मैंने। और अब आप लोगों को मैं मांझों का भी जल्दी रिव्यू करूँगा टिकल्लों का, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पतंग उतार लिए पूरी, क्योंकि कोई उड़ा ही नहीं रहा था, भैया के पास भी पतंगें नहीं थी ज़्यादा, तो उनने मना कर दिया। और ये मांझा इतना सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे आगे मांझा और पतंग ये देख सकते हैं, और वो देख सकते हैं एक बच्चा भी उड़ा रहा है अभी पतंग। और वो मैं अभी लड़ा ही रहा था उससे, लेकिन फिर उसने क्या करा, लड़ाया ही नहीं मेरे से, इतना खींचे आ रहा वो पतंग को और बोल रहा भैया मत लड़ाओ। तो फिर मैंने उससे लड़ाई नहीं, और ये रही पतंग कुछ इस तरीके की, प्रोफेशनल टेपिंग कर दी है देख सकते हैं, और कुछ भी नहीं हुआ, क्वालिटी एकदम बढ़िया है। और आज मैंने आप लोगों को पेज में आप समझा देता हूँ क्या हुआ, मतलब ऊपर कोई हमें लेना है और ढील देना है, मतलब हवा जब तेज़ चल रही हो तो हमें ढील देना है ऊपर से, और ऐसे ऐसे जो पतंग को डोर को पकड़ के ऐसे झटके देके हल्की हल्की सी ढील देना है, तो काट पाएंगे आप लोग पतंग बढ़िया से। और सर्दी तो होना ही होना चाहिए, नहीं तो पतंग में इतना बढ़िया से खींच नहीं लगती कि हम लोग ओपोनेंट नीचे ऊपर को है, तो हम लोगों को खींच के पहले ऊपर जाना है, डोर में खींच देनी है और फिर ऊपर जाके पतंग को ढील देना है हल्के हल्के जैसे बताया। और काइट फाइटिंग आज हो रही थी तो मैंने वीडियो बना दी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और काइट फाइटिंग की ही होगी नेक्स्ट वीडियो, तो बाय।